हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज संडे का दिन है और ये देखिए मॉर्निंग में बहुत ही तेज़ बारिश हो गई है और अभी भी बादल है। हो सकता है कि फिर से दोबारा से बारिश हो जाए और हवा बहुत ही प्यारी चल रही है इस टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी से काफ़ी राहत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बहुत ही अच्छी सुपर टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और उसमें डाला है जीरा, हींग, हल्दी पाउडर और ये है कस्तूरी मेथी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है धुली मूंग की दाल एक कटोरी, जो ये बच गई थी तो इसको भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मैं इसको पहले फ्राई कर लूंगी। तो मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें और डाल दिया है और ये हैं उबले हुए मैश किए हुए आलू और अब मैं मिक्स करते हुए इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। तो ये मैंने डाला है जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, कुटी हुई मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। ज़्यादा मसाले नहीं डालें, कम मसाले में भी ये रेसिपी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और बस ये है मिक्स मसाला सब्जी का। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है और इधर मैंने ये आटा गूंद के इस तरह से पूड़ी वाली लोइयां बना के बेल ली थी पहले ही और खूब फूली फूली हमें खस्ता पूड़ियां बनानी है, वही कचौड़ी टाइप की जो होती हैं। थोड़ी मैंने इसको मोटा ही बेला है, एकदम पतली नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमें स्टफिंग भरनी है। तो ये देखिए इस तरह से हम फूली फूली कचौड़ी टाइप की पूड़ियाँ तल लेंगे। और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ना तो मैं यही वाली रेसिपी बना लेती हूँ, काफ़ी इजी भी होती है और सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से सारी पूड़ियाँ बन गई हैं और अब मैं इसमें ये स्टफिंग भर दूँगी। आप चाहे तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं बट मैंने इसमें दही नहीं डाली क्योंकि ये ऐसे ही काफ़ी लाजवाब लगती है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और टाइम भी बच जाता है और एक अच्छी सी रेसिपी हमारी बनके रेडी हो जाती है, ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी डिलीशियस लग रही है ना, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोग को बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। तो मैंने हस्बैंड जी को अपने सर्व कर दिया है, इसको फोल्ड करके ऐसे ही खा लेते हैं बट ये अपने अलग तरह से खा रहे हैं। और जो थोड़ा सा रह गया था वो मेरी बेटी बना रही है क्योंकि वो बोल रही थी कि मम्मी अब मैं बना लेती हूँ, उसको अभी मन था थोड़ा बनाने का। और मैं इधर तैयारी कर रही हूँ बर्गर बनाने की क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चे कह रहे थे कि उन्हें बर्गर खाना है, तो मैंने सोचा मैं आज ही बना देती हूँ बर्गर। तो पहले तो मैं टिक्की बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। तो मैंने सारे मसाले डाल के ये देखिए इस तरह से मैंने टिक्की बना ली है आलू की और मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें मैं डिप कर करके इस तरह से सारी टिक्कियाँ सेक लूँगी। तो टिक्कियाँ तो हमारी बन के रेडी हो गई हैं और अब मैं बर्गर पर घी लगा करके सेक रही हूँ। मैंने मक्खन नहीं लगाया है, मैं घी से ही सेकूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे बर्गर सेक लिए हैं और अब मैं इसमें लगा रही हूँ टमाटो केचप और फिर मैंने इसमें रखी है एक टिक्की और प्याज, टमाटर और जिसको चीज़ नहीं खाना है तो मैंने उसमें चीज़ नहीं डाला है और कुछ चीज़ वाली बनाई है कुछ बिना चीज़ की। तो और भी काफ़ी चीज़ें इसमें डालते हैं मगर जितनी अवेलेबल हो उसमें भी बर्गर काफ़ी टेस्टी बन जाता है।
तो यहाँ पे बच्चों की मैंने बर्गर पार्टी शाम को कर दी है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर अपने अगले एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।